नमस्कार दोस्तों, पार्थ फ्रेंडली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री ज्ञान के विदेशी स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से देश से क्या शामिल किया गया है, जो कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली गई है। नंबर एक है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में शामिल किया गया है वो है संसदीय प्रणाली। प्रधानमंत्री का पद, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक प्रणाली से मतलब दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। कानून का शासन, एकल नागरिकता, जो नागरिकता है अकेली नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिपरिषद का लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होना, ये सभी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इनमें अब प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, एक बार ध्यान से सुने। संसदीय प्रणाली निम्न देशों में से कौन से देश से ली गई है, ऑप्शन में मिलेगा ब्रिटेन। प्रधानमंत्री का पद कौन से देश से लिया गया है, ऑप्शन में मिलेगा ब्रिटेन। ज्यादातर संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, कानून बनाने की प्रक्रिया और एकल नागरिकता ही पूछी जाती है, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट, अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में शामिल किया गया है। नंबर एक, प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की कुंजी है, संविधान का सार है प्रस्तावना, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है वे भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान होना, जो हमारी कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, यह पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जज है, उन्हें पद से किस प्रकार हटाया जाता है, यह विधि भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, महाभियोग कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, प्रस्तावना कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध में जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कनाडा के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। नंबर एक, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली, जो हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है यह कनाडा के संविधान से ली गई है। नंबर दो, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र सरकार होती है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करती है, यह प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, जो केंद्र के पास शक्तियां है वह शक्तियां का प्रावधान कहां से प्राप्त होता है, यह विधि भी कनाडा के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होता है, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, जापान के संविधान से हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शामिल की गई है, जो जापान से ली गई है। नेक्स्ट, सोवियत संघ जिसमें मेन रूस, जहां से मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ऑप्शन में आता है सोवियत संघ या फिर रूस। मूल जो हमारे मूल कर्तव्य है, जो हमारे पास 11 है,
ये कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ के सिद्धांत से लिए गए हैं, रूस के सिद्धांत से लिए गए हैं। नेक्स्ट, फ्रांस के सिद्धांत से, फ्रांस के सिद्धांत से हमारे सिद्धांत में गणतांत्रिक प्रणाली और स्वतंत्रता, भाईचारा तथा समानता का सिद्धांत शामिल किया गया है। जो फ्रांस के सिद्धांत से शामिल किए गए हैं, नंबर एक है गणतांत्रिक प्रणाली, नंबर दो स्वतंत्रता, भाईचारा तथा समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट, आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के सिद्धांत से राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की प्रक्रिया जो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, यह प्रक्रिया भी आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यह प्रक्रिया आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है। इन सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन से देश से ली गई है? आयरलैंड। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से, ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अगला, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के जो दो सदन है लोकसभा राज्यसभा, इनकी एक साथ बैठक बुलाने की प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से ली गई है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में संविधान संशोधन प्रक्रिया, जिसके तहत संविधान में संशोधन समय समय पर करते किया जाता है, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, तथा साथ में छपी घंटी को भी दबाना न भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।